ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्र सरकार ने कहा 2022 तक राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के तहत 40 करोड़ लोगों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य सरकार ने दरभंगा में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया और मुजफ्फरपुर में नाइलिट की शाखा खोलने को मंजूरी दी। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान गोपालगंज, सीवान, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, अररिया, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले में तेज आंधी के साथ बारिश की चेतावनी जारी की। और छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के हमले में शहीद बेगूसराय के जवान राजेश सिंह का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार संपन्न। केंद्रीय पेट्रोलियम और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का लक्ष्य 2022 तक देश के 40 करोड़ से अधिक लोगों को विभिन्न कौशल में प्रशिक्षित करना है। भुवनेश्वर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि पेट्रोलियम मंत्रालय देश भर में कौशल विकास केंद्रों की स्थापना कर रहा है। इससे युवाओं को रोजगार के योग्य बनाया जा रहा है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में इस मिशन की शुरुआत की थी। राज्य सरकार ने दरभंगा में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया की शाखा और मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नाइलिट खोलने की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का फैसला किया गया। राज्य सरकार ने दरभंगा में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया की शाखा के लिए लीज पर 30 वर्ष की अवधि के लिए भूमि हस्तांतरण को भी मंजूरी दे दी है। एक अन्य फैसले में मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार के कर्मियों को मिलने वाली मोटर कार और मोटरसाइकिल अग्रिम राशि की सुविधा को समाप्त कर दिया है। वहीं घर बनाने के लिए लोन की राशि को बढ़ाकर 25 लाख रूपये कर दिया गया है। मंत्रिमंडल ने पश्चिम चंपारण जिले के नौतन प्रखंड की तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी प्रमिला कुमारी को बर्खास्त करने पर मुहर लगा दी है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में शहीद बेगूसराय निवासी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के जवान राजेश सिंह का आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ सिमरिया घाट पर अंतिम संस्कार सम्पन्न हो गया। इससे पहले शहीद जवान का पार्थिव शरीर जिले के बीहट प्रखंड स्थित सुंदरवन टोला लाया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि शहीद जवान को अर्पित की। राज्य के श्रम संसाधन मंत्री विजय सिन्हा ने शहीद जवान के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना प्रदान की। छत्तीसगढ़ से उनका पार्थिव शरीर पटना लाए जाने पर हवाई अड्डे पर श्रद्धांजलि दी गई। गौरतलब है कि कल दंतेवाड़ा में नक्सलियों के हमले में राजेश सिंह सहित 7 जवान शहीद हो गए थे। कटिहार रेल मंडल अंतर्गत कटिहार न्यू जलपाईगुड़ी रेलखंड पर पश्चिम बंगाल के आदिवासी समुदाय के लोगों द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन के कारण इस मार्ग पर आज 10 घंटे से अधिक समय तक ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा। प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर पश्चिम बंगाल के कानकी और अदीना स्टेशन के बीच पटरी पर धरना प्रदर्शन करने लगे, जिसके कारण अप और डाउन लाइन पर 30 से अधिक ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। रेलवे को 10 रेलगाड़ियां रद्द करनी पड़ी। बाद में स्थानीय अधिकारियों के समझाने बुझाने पर धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ और शाम 4 बजे ट्रेनों की आवाजाही सामान्य हो गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष मोहन भागवत कल राज्य के 3 दिवसीय दौरे पर पटना आ रहे हैं। श्री भागवत नवादा में 3 दिनों तक स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करने के अलावा अन्य कार्यक्रमों में भाग लेंगे। जल संसाधन मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने आज कहा कि लखीसराय जिले में चानन प्रखंड स्थित कुंदर बराज को आंजन नदी पर बने बांध से जोड़ा जाएगा। इससे कुंदर बराज में पानी की कमी की समस्या दूर होगी। श्री सिंह ने कुंदर बराज का निरीक्षण करने के बाद कहा कि अगले वर्ष मार्च के अंत तक इसका काम पूरा हो जाएगा। उन्होंने निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने वाले इंजीनियर पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी। जल संसाधन मंत्री ने कहा कि बराज का निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद लखीसराय और जमुई जिले में किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा और पटवन की समस्या दूर होगी। इससे दोनों जिलों के 7 प्रखंडों के 31,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा मिलेगी। निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान नफरत और द्वेष फैलाने वाले भाषणों पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगाने पर जोर दिया है। निर्वाचन आयोग की ओर से आज पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त और आयुक्तों से चुनाव प्रबंध के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श के लिए गोल में सम्मेलन में ये बात कही गई। आयोग ने कहा कि ऐसे भाषणों को जनहित में रोके जाने की जरूरत है।
आयोग ने कहा कि सम्मेलन में चुनाव की अवधि के बारे में भी बातचीत की गई ताकि मतदान के चरणों में कमी की जा सके। मतदान चरणों को कम किए जाने से चुनाव आदर्श संहिता की अवधि भी कम हो जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने आज दोबारा विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने पर सदन की सदस्यता की शपथ ली। परिषद के उपसभापति हारून रशीद ने उन्हें अपने कार्यालय में शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। गौरतलब है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान व्यस्त रहने के चलते श्री पांडेय शपथ ग्रहण नहीं कर पाए थे। राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। तेज धूप के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इधर मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज और आसपास के क्षेत्रों में धूल भरी आंधी के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। कुछ स्थानों पर बारिश के दौरान बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने 24 मई तक मौसम के मिजाज में उतार चढ़ाव की स्थिति बने रहने का पूर्वानुमान जताया है। प्रदेश में आज रोहतास जिले का डेहरी सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 41.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पटना का अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस जबकि गया का 40.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पटना जिले में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद 8,862 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 17,346 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिलाधिकारी कुमार रवि ने आज उत्पाद विभाग और पुलिस अधिकारियों के साथ शराबबंदी कानून को प्रभावी तरीके से लागू करने को लेकर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने सभी थाना अध्यक्षों और उत्पाद विभाग के पदाधिकारियों को शराब बरामद होने के मामले में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 27वीं पुण्यतिथि पर राष्ट्र ने आज उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दिन को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस अवसर पर दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री की समाधि स्थल वीर भूमि पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पुष्पांजलि अर्पित की। इधर बिहार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में दिवंगत नेता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। आतंकवाद विरोधी दिवस के अवसर पर लोगों ने हिंसा और आतंकवाद के खिलाफ शपथ ली। भागलपुर जिले के एकचारी थाना क्षेत्र के 58 दियारा से पुलिस ने आज लंबे समय से फरार चल रहे 25,000 रूपये के इनामी कुख्यात वकील मंडल को गिरफ्तार कर लिया। खगड़िया जिले के नगर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने आज अवकाश प्राप्त एक शिक्षक से 1.5 लाख रूपये लूट लिये। इधर मुजफ्फरपुर जिले के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में कलमबाग चौक के पास दिन दहाड़े मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने एक रेलकर्मी से 2 लाख रुपए लूट लिए। बक्सर जिले में कृष्ण ब्रह्मा थाना क्षेत्र में डकैती की घटनाओं में बढ़ोतरी के विरोध में स्थानीय लोगों ने आज कठार खुर्द गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 84 पर विरोध प्रदर्शन और सड़क जाम किया। इसके कारण मार्ग पर कई घंटों तक वाहनों की आवाजाही बाधित रही। औरंगाबाद जिले के मदनपुर प्रखंड के बनिया पंचायत को आज खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में जिलाधिकारी राहुल रंजन महिवाल ने पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मानित भी किया। खगड़िया जिले में पुलिस अधीक्षक मीनू कुमारी ने अपराध नियंत्रण के लिए जिले के 9 थाना क्षेत्रों में 12 स्थानों पर जांच चौकियां स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। पश्चिमी चंपारण जिले के मंझौलिया प्रखंड स्थित माधोपुर पंचायत में गन्ना किसानों के लिए आज कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों को संतुलित मात्रा में उर्वरक के उपयोग और ट्रेंच विधि से खेती करने की सलाह दी गई। सीतामढ़ी जिले में एसएसबी की 51वीं बटालियन, नागरिक संगठन शक्ति वाहिनी, अतिथि और चाइल्ड लाइन के संयुक्त तत्वावधान में आज मानव तस्करी उन्मूलन पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारत नेपाल सीमा पर सिलीगुड़ी से लेकर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों तक मानव तस्करों के खिलाफ जोर शोर से अभियान चलाने पर बल दिया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा 2022 तक राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के तहत 40 करोड़ लोगों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य सरकार ने दरभंगा में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया और मुजफ्फरपुर में नाइलिट की शाखा खोलने को मंजूरी दी। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान गोपालगंज, सीवान, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, अररिया, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले में तेज आंधी के साथ बारिश की चेतावनी जारी की। और छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के हमले में शहीद बेगूसराय के जवान राजेश सिंह का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार सम्पन्न। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।